हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आपको हरियाणा सीईटी के 19 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लें। और आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, चाहे वो आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पर सर्च करें और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है? आज बात करेंगे हरियाणा की जो जनगणना है 2011, उसमें जो आंकड़े आए थे वो हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है? तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करते नहीं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं जनगणना 2011 की। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कब हुई, दूसरी किसके काल में हुई, ठीक है? दूसरा है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में फिर से हुई। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1881 में। किसके काल में हुई थी? रिपन में। पहली हुई थी लॉर्ड मेयो के, दूसरी लॉर्ड रिपन की, ठीक है? और उसी के बाद जो दूसरी थी, इसी के बाद जो नियमित वाली थी, इसके बाद ही आपकी जो दशकीय जनगणना है वो शुरू हुई थी। हरियाणा के गठन 1966 में होता, तो पहली जो जनगणना हुई थी 1971 में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के गठन के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1971। और 71 के बाद तो फिर लगातार 1971, 81, 91, 2001 और 2011, उसके बाद नहीं हुई है, ठीक है? और जो पहली दशकीय जनगणना 1881 थी, उस समय हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो थी 42.65 लाख। मात्र कितनी थी? 42.5, लगभग 42.5 लाख के करीब, ठीक है? उसके बाद जब 1966 में जनगणना, 1971 में पहली जनगणना हुई, ठीक है, और अभी लास्ट में 2011 में हुई, तो 2011 की का ही हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 2011 की जनगणना से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 2,53,51,462, ठीक है? और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 18वां जो जिला राज्य है वो हरियाणा आपका भारत में बना। देश की कुल जनसंख्या बात करें तो 121 करोड़, 2011 की बात करें अब तो ज्यादा हो गई। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.53 करोड़, जो हमने टोटल आंकड़ा यहाँ पे दिखा दिया आपको। इनमें से पुरुष की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1,34,94,34,94,3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 4,
और यहाँ पे ग्रामीण की बात करें तो ये हो जाएगी 1,65,09,359.62। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा 65.12। और इनमें से अगर पुरुष के अकेले की पूछ लें तो 53.2 थे, ठीक है। और 15 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले जिले पांच कौन कौन से, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी प्लस दादरी, तब एक ही था उस टाइम पे, गुरुग्राम और करनाल, ठीक है। और 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो ये 15 हो जाएंगे, और 10 लाख से कम की अगर बात करें तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको बिल्कुल डिटेल से देखना हो तो वो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और विश्व की अगर कुल जनसंख्या का बात करें तो 17.5% है ये, और भारत की कुल जनसंख्या का बात करें तो 2.09% है दोस्तों, ठीक है। और महिला की अगर बात करें तो 46.77, और शहरी की बात करें तो 88%, ठीक है। इसके बाद सॉरी 88 नहीं, 34.88, ठीक है। ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, तो दोनों यहाँ पे दिखाए गए हैं। पुरुष की बात करें तो 53.23, महिला थी 46.77, ग्रामीण जनसंख्या 65.12 और शहरी जनसंख्या 34.8 है, ठीक है, ऐसे थे। उसके बाद है चरखी दादरी, हरियाणा का 22वां जिला घोषित हो चुका है, किंतु ये आंकड़े 2011 जनगणना के हैं, तो इसलिए दादरी की जो जनसंख्या है वो भिवानी जिले के अंदर ही शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर,
भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल आपको बता ही चुके हैं, 44,212। हरियाणा का देश में स्थान 21वां, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। सबसे बड़े जिले की बात करें तो सिरसा है, जिसका कि 4,277 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा जिला अगर बताएं तो फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर। टॉप 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे आपके बड़े के हिसाब से? सिरसा है, फिर हिसार है, फिर भिवानी है, फिर जींद है, फतेहाबाद है। ये टॉप 5 जिले हो गए। और अंतिम 5 की बात करें तो फरीदाबाद, पंचकूला, गुरुग्राम, पानीपत और पलवल। ठीक है, छोटे बड़े के हिसाब से बता दिया, बड़ा जिला सिरसा, छोटा जिला आपका फरीदाबाद है। और देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, और सबसे छोटा है गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली का क्षेत्रफल अगर बात करें 1483 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर, भिवानी जिले से दादरी जिले का 1370 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अलग करने पर। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी थी? तो 19.9% थी दोस्तों। ठीक है, देश में स्थान हरियाणा का स्थान 11वां, राज्यों में 5वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सा स्थान था? हरियाणा का 11वां। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में था 5वां स्थान, और देश में पहला जो स्थान था वो मेघालय का था दोस्तों। अंतिम स्थान किसका था? नागालैंड का। हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि दर थी गुरुग्राम जिले में, कितनी थी? 73.96%। ठीक, और सबसे कम बात करें तो वो झज्जर के अंदर थी, 8.9% दोस्तों। ठीक है, ये अपने अच्छे से कर लेना है, सबसे ज्यादा और कम पूछते हैं हर बार एग्जाम में। और ग्रामीण वृद्धि दर की बात करें तो 9.85 है, शहरी वृद्धि दर आपकी 44.59% है। टॉप 5 जिले आपको जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से फिर बता देते हैं, गुरुग्राम है, नू है, फरीदाबाद है, पलवल है, पानीपत है, और अंतिम 5 है झज्जर। यही पूछते हैं सबसे, मतलब ज्यादा वृद्धि दर किसमें? गुरुग्राम में। सबसे कम किसमें? झज्जर में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में देखिए 879 आपका लिंगानुपात है, ये 1000 में से। भारत का लिंगानुपात 943, सबसे अच्छा केरल में, दूसरा सबसे अच्छा तमिलनाडु में, सबसे खराब की बात करें तो ये आपका हरियाणा के अंदर। लिंगानुपात में हरियाणा का स्थान 29वां, यानी कि सबसे लास्ट ही है। और राज्य में सर्वाधिक है मेवात में 907, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये गुड़गांव में है, और ज्यादा की बात करें तो मेवात में है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा से कम के हिसाब से आप देख सकते हैं, पीडीएफ आप देख लेना, और कम से ज्यादा के हिसाब में इंपॉर्टेंट क्या है, ये है ज्यादा वाला और कम वाला, ये आपको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 882 है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और शहरी है 873, और दोनों को मिला के लिंगानुपात 879। शिशु लिंगानुपात देखिए 0 से 6 आयु वर्ष 834, भारत कितना? भारत में है 918 और हरियाणा में है 834। राज्य में अधिक यह है मेवात में 908 और न्यूनतम है महेंद्रगढ़ में 778 दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और घनत्व है कुल जनसंख्या, कैसे निकालते हैं घनत्व? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में कि इसका फॉर्मूला बताइए, तो ये हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल अगर घनत्व निकालते हैं तो। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का स्थान है 11वां, 5 राज्यों में अगर बात करें तो 5वां है, और राज्य में सबसे ज्यादा किसमें है जनसंख्या घनत्व? फरीदाबाद में 2442, और सबसे कम है सिरसा में 303 दोस्तों। ठीक है, और जनसंख्या, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है बात करें 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो ये 391 है घनत्व की। ठीक है, घनत्व चल रहा है। शहरी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 4475 है। 12 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हरियाणा से ज्यादा है, और 9 जिले ऐसे हैं जिनका हरियाणा से कम है। ठीक है दोस्तों, ये देश की बात की जा रही है, पूरे देश में अगर 12 जिले की बात की जाए तो जिनका घनत्व हरियाणा से ज्यादा है। ठीक है, जिलों जिलों का सिर्फ, और 9 जिले ऐसे हैं जिनका हरियाणा से कम है।
उसके बाद है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो ये 75.755% है दोस्तों, और देश की बात करें तो 73 है। और साक्षर व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आपको दे रखी है। देश में हरियाणा का स्थान है 22वां, राज्यों में स्थान है 15वां, ठीक है। और पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं। पुरुष साक्षरता दर ये पूछ लेते हैं 84.06 है, महिला साक्षरता दर है 65.94। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर जिलों में, हरियाणा के जिलों की बात करें तो गुड़गांव में है 84.70, और सबसे कम की बात करें तो मेवात में है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता में रेवाड़ी सबसे आगे है 92.90 और मेवात 73%। महिला साक्षरता दर में प्रथम है गुरुग्राम, ठीक है, और राज्य में भी प्रथम है और महिला में भी प्रथम है। पुरुष में आपका रेवाड़ी है और कम तीनों में ही मेवात है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे टॉप जिले दिए गए, अंतिम 5 जिले दिए गए, इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद है धर्म के अनुसार। धर्म के बात करें तो सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू के, कितने 87.46, और ज्यादा हिसार में है, कम नू में, ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम 7.03% है, जो कि मेवात में ज्यादा है, महेंद्रगढ़ में सबसे कम है। सिख की बात करें तो 4.91, ज्यादा सिरसा में है और कम नू में है। ईसाइयों की बात करें तो सबसे 0.20 है, ज्यादा फरीदाबाद में है, कम महेंद्रगढ़ में। जैन की बात करें तो जैन 0.21% है, जिसमें से ज्यादा गुरुग्राम में, कम कैथल में। बौद्ध की बात करें तो बौद्ध सबसे ज्यादा पंचकुला में, कम महेंद्रगढ़ में। राज्य में सबसे कम आबादी कहाँ पे है, पंचकुला में, और बौद्ध की है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है, हिंदू की है। एकत्रित धर्म ज्यादा फरीदाबाद और कम महेंद्रगढ़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुसूचित SC संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो SC संबंधित देख लेते हैं, यहाँ पे 20.17% है, ठीक है। जो SC कैटेगरी है वो लगभग 20.17% जनसंख्या का SC कैटेगरी है, ठीक है। राज्य की जो SC जनसंख्या है, भारत की SC जनसंख्या का 2.5% है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है हिसार, ये याद रखना है दोस्तों, और सबसे कम है नू, यानी कि सबसे ज्यादा हिसार में आपके जो है अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं और सबसे कम रहते हैं नू में। प्रतिष्ठा में बात करें तो ज्यादा वाला जिला हो जाएगा फतेहाबाद और सिरसा, और सबसे कम की बात करें तो नू और फरीदाबाद। टॉप 4 जिलों की बात करें तो हिसार, सिरसा, भिवानी और करनाल। अंतिम 4 की बात करें तो नू, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और झज्जर। और अनुसूचित जाति में साक्षरता की बात करें तो ये हो जाएगा 66.85% दोस्तों। इतने पढ़े लिखे हैं SC कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद है, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाले हैं रेवाड़ी और गुरुग्राम, सबसे कम वाले हैं सिरसा और फतेहाबाद, ठीक है। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये ध्यान ही रखना है, ठीक है। बाकी का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगर ये करवा देते हैं तो याद भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है। वो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको हरियाणा की जो जनसंख्या से संबंधित MCQ है वो लेके आएंगे, इससे आपकी तैयारी जो अच्छी हो जाएगी। और हमारे जो इस वीडियो में से करवाए हैं, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम आ चुके हैं, कल के वीडियो में इसे आगे करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।